भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पश्चिमी उपनगर के नेस्को सेंटर में एक सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस अवसर पर यादव और शीर्ष उद्योगपतियों के बीच 1-to-1 बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह उद्योगपतियों को निवेश के अवसरों और संभावनाओं की जानकारी देंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा कार्य समिति ने आज बैठक बुलाई है। खास बात तो ये कि इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान करने वाले। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश के अधीनस्थ अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। करीब 10,00,000 मुकदमे लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों में कुल 512 बेंचों का गठन किया गया है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 7 राज्यों में 13 सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव मौजूदा सदस्यों की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई, रिक्तियों के कारण हो रहा है, जिसकी मतगणना आज करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। अतिथि अध्यापकों ने नियमित करने की मांग को लेकर फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। अतिथि अध्यापक आज प्रदेश भर में भाजपा विधायकों के आवास पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 14 जुलाई को सुबह 8 बजे विपक्ष के प्रदेश अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आष्टा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से हड़ताल करेंगे। इस दौरान सफाई व्यवस्था बंद रहेगी। आपको बता दें कि इसकी सूचना गुरुवार को सफाई कर्मचारी संगठन ने सीएमओ और नपा अध्यक्ष को दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने कैबिनेट साथियों के साथ आज रामलला के दर्शन करेंगे। बता दें कि सीएम साय और सभी मंत्री चार्टर्ड विमान से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित सभी कैबिनेट मंत्री प्राइवेट प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना। मध्य प्रदेश के रतलाम में नगर निगम के संपत्ति कर व जल कर के बकायेदारों को अधिभार में छूट देने के लिए आज विशेष शिविर लगाया जाएगा। निगम के फायर स्टेशन भवन के पास लगने वाले शिविर में बकाया संपत्ति कर व जल कर भरने वालों को पेनाल्टी में छूट दी जाएगी। हिमाचल के कई इलाकों में आज भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल में आज मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1803 में आज के दिन राजा राममोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। साल 1905 में आज के दिन कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया। साल 1941 में आज के दिन 8वीं लोकसभा के सदस्य टी कल्पना देवी का जन्म हुआ था। साल 1998 में आज के दिन भारत के लिएंडर पेस ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का प्रथम ATP खिताब जीता था। साल 2021 में आज के दिन पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।